वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आजकल एक कॉमन सवाल रहता है दोस्तों कि कटिंग कैसे लगाए, किस सीजन में लगाए। तो कटिंग हर सीजन में भी लग सकता है, भले ही विंटर हो या कुछ भी। तो उसके लिए कुछ जुगाड़ की ज़रूरत होती है। तो अभी विंटर चालू हो गया है और शुरुआती विंटर में ही मैंने कुछ यहाँ प्रोपोगेशन किया है दोस्तों। तो इस तरह के नए नए आइडियाज़ के लिए तो हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे यहाँ बहुत सारे वीडियो होंगे, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक दूंगा, जिसको आप लाइक कर सकते हैं या ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ जुगाड़ किया हुआ है। एक ट्रे लिए है, उसमें एक पॉट है और उसको मैंने इस क्लियर प्लास्टिक से कवर कर दिया था। केवल अब तक एक बार पानी दिया है और कुछ नहीं। तो आज मैं उसका अपडेट देने जा रहा हूँ। सिंपल है दोस्तों, कटिंग लगाना कोई बड़ी बात है नहीं। कटिंग ऐसी जगह से रखना है जो स्टेबल रहे, बस यही ध्यान में रखना है। पानी भी तब दे देना है जब लगाए हो, और ऑफ सीजन है तो रूटिंग हॉर्मोन रहता है तो बेटर है। मैंने इस बार इस्तेमाल किया था, देखिए कोई डाइबैक नहीं, सभी सफल है मेरे ख्याल से। ये देखिए, क्योंकि ये प्रेमना के सीडलिंग है दोस्तों, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसमें ये देखिए, आधे पौने उसकी वृद्धि हो गई। ये नए लीफ है, ये नए लीफ है, ये नया लीफ आ रहे हैं दोस्तों। ये भी यहाँ से नए, यानी इसमें रूटिंग हो गया है। तो अगर इस दूसरी सीजन में अगर आपको इस तरह से कोई प्रोपोगेशन करना है तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना होगा जिससे आपको वो टिंग या सक्सेस मिल पाए। तो ये बहुत ही कारगर रहा है। और देखिए रूटिंग हुआ है या नहीं, किसी को निकाल के नहीं देखेंगे हम, नीचे देखते हैं। देखिए कितने कम वक्त में, एक महीना भी नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत ही कम वक्त में ये रूट देख सकते हैं आप। यानी ये हमारा प्रयास सफल रहा, वो भी ऑफ सीजन में। और एक बात याद रखें, प्रेमना के कोई इस तरह के कोई सेपलिंग या सीडलिंग आप लोगों को नहीं मिलेंगे, तो हमें खुद ही तैयार करने होंगे। तो ये बहुत ही छोटे पत्ते वाले हो गए थे, कुछ टहनियाँ निकल आती है, तो उन सबको मैंने प्रोपोगेट करके एक्सपेरिमेंट किया। यानी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो कोई भी सीजन हो आप लगा सकते हैं, बट बेस्ट सीजन रहता है कटिंग के लिए, कितनी भी साइज का क्यों ना हो। आप मार्च में लगा सकते हैं, फरवरी एंड के बाद, या शुरुआती मानसून में, या कुछ कुछ सितंबर में भी लग सकते हैं। कैसे प्लांट है उस पे डिपेंड है, बट जब मानसून पीक पे हो तब कोई हार्वेस्टिंग या कटिंग ना लगाए, क्योंकि बड़े बड़े फाइकस भी तब चले जाते हैं, क्योंकि फंगस का इफेक्ट होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मानसून में ही कटिंग लगाना चाहिए, बट वो शुरुआती मानसून होना चाहिए। अगर बीच में कुछ किया तो नुकसान हो सकता है, हो भी सकता है, बट नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये मैंने शुरुआती विंटर में कर दिया है और अच्छा रहा। और देखिए एक बार फिर से रूट देख लीजिए। तो यहाँ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसी पे नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सिखा ना पाऊँ तो शायद मैं प्रेरित तो कर ही सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस तरह का आप भी कुछ कर सकते हैं अभी इस सीज़न में भी, चाहे कितनी ठंडी हो या गर्मी हो, हमें काम करते रहना है। तो उसके लिए थोड़ा जुगाड़। और यहाँ देखिए कितने सारे सीडलिंग मिल गए हैं मुझे। तो इन सबको अब मैं बाद में, यानी आने वाले सीजन तक इसी में रहने देंगे, फिर उसको दूसरी बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी छोटी साइज में ही उसको वायरिंग करके ट्विस्ट कर लेंगे, जिससे शुरुआत में ही हमें बहुत ही बढ़िया से मूवमेंट वाले प्लांट मिल जाए। क्योंकि प्रेमना में प्लांट हार्ड हो जाता है स्टेम थोड़ी कुछ ही महीनों में, यानी एक महीने में आपने लगा दिया और एक बार भी ग्रोथ हुआ तो ये बहुत ही मैच्योर या वूडी और बहुत ही ब्रिटल है, तो वो आप मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए शुरुआती सीजन में ही, शुरुआत के चरण में ही आपको उसको शेपिंग दे देना होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, उसमें से क्या बनेगा वो भी आपको देखना है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। और हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं जो कोई भी काम करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।